नहीं नीतीशे हैं, प्रशांत और तेजस्वी को कहाँ रही प्रशांत की बात। तो प्रशांत तो एडिटर थे, हर पार्टी का एडिट करते थे, हर पार्टी का बढ़ावा देते। साल के हिसाब से जोड़िए तो आगे हो गया, प्रशांत किशोर जीतेंगे। बात बाकी इन लोग को तो देखिए लिए, इतना साल से 30 साल से तो बिहार की जनता इन्हीं को देख रही है और इतना बर्बाद करके रख दिए हैं। तो कम से कम उम्मीद है, उम्मीद पर देखना है उम्मीद कायम होगा कि नहीं होगा। अगर जीत गया तो कहीं अरविंद केजरीवाल ना बन जाए। नाम है लेकिन बहुत दिन से उन लोग हैं सत्ता पर, अब नया चेंज चाहिए बिहार के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशी न्यूज़, मैं आपके साथ मानसी मिश्रा। अभी मैं पटना के सड़कों पे निकल पड़ी हूँ। 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है जिसमें 3 चेहरे अब नजर आएंगे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। जनता से बात करते कि इस बार किसकी सरकार होगी, जनता का क्या राय है, किसको देखना चाहते, क्या लगता है? विधानसभा चुनाव होना है 2025 में, जिसके लिए पहले 2 चेहरे थे, 1 चेहरा नया आ गया है, जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर। क्या लगता है कि कहाँ जाएगी वोट? नहीं, बहुत बढ़िया है, वही जीतेंगे, प्रशांत किशोर जीतेंगे। बात बाकी इन लोग को तो देखिए लिए, इतना साल से 30 साल से तो बिहार की जनता इन्हीं को देख रही है और इतना बर्बाद करके रख दिए हैं। तो कम से कम उम्मीद है, उम्मीद पर देखना है उम्मीद कायम होगा कि नहीं होगा। अगर जीत गया तो कहीं अरविंद केजरीवाल ना बन जाए। जनसुराज नई पार्टी है, प्रशांत किशोर नया चेहरा है, क्यों प्रशांत किशोर? पुरानी 2 पार्टी जो काफी सालों से चलती आ रही है, और वो क्यों नहीं? अरे जो प्रधानमंत्री के बना दिया, पीएम मोदी के तो पहले वही सर्वे सर्वा थे, ममता बनर्जी के सर्वे सर्वा वही थे, तो पॉलिटिकल वाइज तो है ही वो। और अभी आप देखिए कि क्षेत्र में जब घूम रहे हैं तो वो पूरा एक बिहारी टोन सीख गए हैं, जो ज़रूरत था। पैदल चल रहे हैं, कादो माटी में चल रहे हैं, तो बेटर है ये। क्या लगती है सर, किसकी सरकार होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो जनसुराज ही होना चाहिए। नीतीश, तेजस्वी यादव, ये भी 2 नाम है। क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये भी 2 नाम पड़े हैं उनको, इनको नाम है लेकिन बहुत दिन से उन लोग हैं सत्ता पर, अब नया चेंज चाहिए बिहार के अंदर। जनसुराज नई पार्टी है इसलिए प्रशांत किशोर चाहिए, या फिर काम अब तक बिहार में अच्छा नहीं हुआ इसलिए प्रशांत किशोर चाहिए? नहीं, प्रशांत किशोर ने बहुत अच्छा काम किया है, पिछले जो मोदी को भी लाया, ठीक है, ममता बनर्जी को भी लाया है, तो काफी अच्छा उन्होंने किया है। इसके अलावा 2025 के चुनाव में नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर? नहीं, नीतीशे हैं, प्रशांत और तेजस्वी को कहाँ रही प्रशांत की बात। तो प्रशांत तो एडिटर थे, हर पार्टी का एडिट करते थे, हर पार्टी का बढ़ावा देते थे, और उनके बढ़ावा में ही तो ये कारनामा हुआ कि बंगाल में ममता जी बैठी, कांग्रेस को खींचे, तो इनको बिहार में कौन साथ देगा? कोई साथ नहीं देगा। साथ देगा नीतीशे बाबू को, क्योंकि नीतीश बाबू पुराने हैं, अनुभवी हैं, अपना जीवन की रफ्तार बिहार के लिए बढ़ा रहे हैं, तो उनको चुनेगा। तेजस्वी यादव कह रहे कि नहीं संभलती है इनसे सरकार, तो वो क्या संभालेंगे? उनका संभालने का क्या हक है? वो अपने आप को पहले संभाले, पहले अपने आप को संभाले, वो अपने आप को संभाले तब ना, वो तो अपने नहीं संभाल पा रहे हैं। उस 17 महीना में काम कर दिया, यहाँ 18 साल से जो काम कर रहा, तो गुना भाग कीजिएगा तो इनसे तो 8 गुना ना ज़्यादा हो गया। वो 18 साल से कर रहा है, 17 महीना की है, साल के हिसाब से जोड़िए तो आगे हो गया। विधानसभा चुनाव के लिए पटना की सड़कों पे निकले थे जनता से जानने के लिए, तेजस्वी, प्रशांत या नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर का भी नाम ऊपर आया, तो वहीं नीतीश कुमार में भी दम बाकी है। जनता ने कहा नीतीश कुमार भी सरकार में रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।